अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ टेस्टी चिकन ग्रेवी, तो चलिए बनाते हैं। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए ये बहुत टेस्टी रहती है, ग्रेवी अलग सी है, बहुत खाने में तो इतनी टेस्टी रहती है, बहुत टेस्टी रहती है। यहाँ पर 1 किलो मैं चिकन लेकर हूँ, 1 किलो चिकन लेकर हूँ। अभी मसाले बताती हूँ। यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरिया धनिया, लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, यहाँ पर थोड़ा सा सूखा नारियल, सौंफ, तिल, कस्तूरी मेथी और लाल सूखी मिर्ची, ये सब हमें चाहिए। थोड़ा सा मसाला पीसने का है, सबसे पहले मसाला थोड़ा सा पीस लेंगे। यहाँ पर चिकन की ग्रेवी के लिए थोड़े मसाले पीसना है, मैं बताई थी ना पीसना है। इसके लिए हमें मसाले थोड़ा सा तेल में फ्राई करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, बस 2 टीस्पून जितना तेल, क्योंकि मसाले तलना है हमें इसीलिए। यहाँ पर टमाटर ले रही हूँ मैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, बड़े साइज में काट ली हूँ क्योंकि पीसना है टमाटर को इसीलिए। तेल में टमाटर को, लहसुन को, सौंफ को और तिल को हमें तेल में थोड़ा सा तल लेना है। उसके बाद हमें इसे पीस लेना है और दो तरफ से थोड़ा सा पकना है टमाटर, थोड़ा सा गलना है तेल में, थोड़ा सा गलना है टमाटर, तब तक मैं इसे पका लेती हूँ। यहाँ पर टमाटर थोड़ा सा पक चुका है। अभी यहाँ पर 15 लहसुन की कलियाँ, ये छोटे छोटे कलियाँ हैं इसीलिए मैं 15 ली हूँ, अगर बड़े हो तो 10 ही लेना है। अब इसे भी हमें थोड़ा सा पका लेना है। तो देखिए लहसुन और टमाटर पक चुके हैं, बस इतने ही पकाना है हमें। अब क्या करना है, यहाँ 1 टीस्पून जितनी सौंफ, थोड़ी सौंफ इसमें ज्यादा ही जाती है इसमें, अब इसे भी पका लेना है। और यहाँ पर तिल, यहाँ पर तिल मैं आधा कप जितना लेकर हूँ, यानी कि 4 टी स्पून जितनी लेकर हूँ। अब इसे भी थोड़ा सा हमें इनके साथ भून लेना है, थोड़ा सा तिल को और सौंफ को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हमें क्या करना है, इसे ठंडा होने देना है। इसके बाद हमें पीसना है, गर्मा गर्म में नहीं, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे पीस लेना है। तिल को डालते ही तेल में चटकना शुरू हो जाती है, तिल बहुत जल्दी चटकती है तेल में। तो देखिए हो गया है, बस हमें इसे उतार लेना है, अभी निकाल लेना है, इसे निकाल कर ठंडा होने देना है। अभी टमाटर यहाँ पर खसखस और लहसुन को मैं अच्छे से तल ली थी, अभी थोड़ा सा मैं खोपरा भी इसमें तेल में थोड़ा सा भून लेती हूँ। अभी इन सभी को मिलाकर हमें टमाटर, खसखस, लहसुन, अब नारियल को भी, सूखा नारियल है ये, कच्चा नहीं, सूखा ही डालना, इसे भी थोड़ा सा मैं भून कर पीस लेती हूँ। मसाले को ठंडा होने दे रही हूँ। यहाँ तब तक क्या करना है, हमें ग्रेवी की तैयारी करना है। यहाँ पर देखिए मैं तेल ले रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आधा कप जितना तेल लेकर हूँ, थोड़ा तेल इसमें ज्यादा ही जाता है, मैं आधा कप जितना लेकर हूँ। अब इसे तेल को गर्म होने देना है पहले। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के प्याज ली हूँ, बारीक काट ली हूँ, अगर बड़ी हो तो आप 1 काट लेना। मैं इसमें डाल लेती हूँ प्याज को। अब प्याज को हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, तेल में ही प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। ये गोल्डन ब्राउन होती है तब तक हमें क्या करना है, मसाला पीस लेना है। जो मसाला अभी मैं तलकर बताई हूँ उस मसाले को मैं बारीक से पीस लेती हूँ। देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गई है प्याज, अब इसे ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, ज्यादा लाल भी नहीं करना है प्याज को। ये अच्छे से पक चुकी भी है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी क्या करना है, इसमें 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। अब प्याज के साथ इसे भी हमें पका लेना है। देखिए अदरक लहसुन भी पक चुका है। अभी यहाँ पर मैं चिकन को ले रही हूँ, यहाँ पर मैं चिकन 1 किलो लेकर हूँ, 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। और टमाटर, लहसुन, तिल, इसे भी, सूखा नारियल, इसे भी मैं तल कर पीस ली हूँ। अभी थोड़ा सा हमें चिकन को इसमें पकाना है, लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा हमें चिकन को भी पकाना है, चिकन का कलर बदलना है, तब तक हमें इसमें पका लेना है थोड़ा सा।
ये ग्रेवी अलग सी रहती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ये बैंगलोर में बहुत बनती है, मेरे घर में तो बहुत बनती है, ये बहुत पहले से मैं बहुत बनाती हूँ ये। सो ये सब तलकर ये बहुत अच्छी रहती है, इसका टेस्ट अलग सा रहता है। हर ग्रेवी से इस ग्रेवी का टेस्ट अलग रहता है, खाने में उतनी अच्छी रहती है। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, रुमाली रोटी, नान के साथ, आप जिसके साथ मन करता है खाने का, आप उसके साथ इसे आराम से खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी रहती है ग्रेवी, बहुत टेस्टी बनती है ये ग्रेवी। ये अलग सी है, ये सब ग्रेवी से ये अलग सी है। इसे एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर से कीजिए। जितना हो सके उतना फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए आप। मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर रेसिपी में आ रही हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ लेकर आ रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को भी अच्छा लगता है, आप लोग देखते हैं मेरा वीडियो, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू। अभी इसे मैं थोड़ा सा इसे पका लेती हूँ, थोड़ा सा और पकने देती हूँ मैं इसे, फिर मसाले हमें इसमें डाल लेना है। देखिए थोड़ा सा कलर बदला है, अभी थोड़ा और पकाना बाकी है इसे। ऊपर देखिए आधा बहुत गल चुका है तेल में, और लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब क्या करना है, हमें इसमें दूसरे मसाले भी डाल लेना है। यहाँ पर धनिया पाउडर, एक स्पून से दो टीस्पून जितना धनिया पाउडर, काली मिर्ची आधा टीस्पून, जीरा पाउडर एक टीस्पून, ये स्पून से डाल रही हूँ मैं, सभी ये स्पून से डाल रही हूँ, देखकर डाल लेना। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैं डेढ़ टीस्पून ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, देखकर डाल लेना आप, क्योंकि इसमें काली मिर्ची भी जाती है इसीलिए देखकर डालना आप। नमक यहाँ पर एक टीस्पून, आप नमक लाल मिर्च देखकर डाल लेना, आपके हिसाब से आप ज़्यादा कम आपके ऊपर जाता है तो आप नमक भी देखकर इसमें मिला लेना। अभी इसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, थोड़ा सा इन मसालों को भी चिकन के साथ हमें पकने देना है, बस एक मिनट तक, बस ज़्यादा नहीं, फिर इसमें दूसरे मसाले भी हमें मिलाना है। यहाँ पर तीन सूखी मिर्ची ली हूँ, तीन लाल सूखी मिर्ची, इसे आधा आधा मैं तोड़ ली हूँ, अभी इसे भी इसमें डाल लेती हूँ। अगर चिकन ज़्यादा है तो मसाले आप ज़्यादा कर लेना, अगर चिकन आपका आधा किलो है तो आप कम कर लेना। मैं एक किलो चिकन ली हूँ, एक किलो के मसाले मैं बताई हूँ सभी इसमें, थोड़ा सा और मैं इसे इन मसालों के साथ थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ। देखिए एक मिनट हो गया है मसालों को, चिकन को पकते हुए। अभी क्या करना है, हमें दूसरे मसाले भी इसमें डाल लेना है। जो मसाला मैं पीस कर रख ली थी, टमाटर, तिल, लहसुन, सूखा नारियल, जो मैं तल कर पीस ली थी, इस मसाले को हमें इसमें डाल लेना है। थोड़ा सा इस जार में पानी डालकर भी मैं डाल लेती हूँ। अभी क्या करना है, इस वक्त हमें थोड़ा सा गरम मसाला, अब इसे भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी भी लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एक कप जितना पानी ली हूँ, अभी इसे भी मैं डाल लेती हूँ। अब हमें 5 मिनट तक हमें इस मसाले को भी अच्छे से पकाना है, चिकन के साथ इस मसाले को भी अच्छे से 5 मिनट तक हमें पकाना है। इसकी खुशबू अब से ही शुरू हो गई है, देखिए बहुत बहुत प्यारी रहती है खुशबू, बहुत अच्छी। इसमें सौंफ जाकर है ना, सौंफ की तो खुशबू माशाल्लाह और बहुत प्यारी रहती है सौंफ की से। मैं और इसे 5 मिनट अच्छे से पका लेती हूँ। देखिए अच्छे से पक चुकी है, 5 मिनट हो गए हैं इसे अच्छे से पकते हुए। ये ग्रेवी भी दानेदार बनती है और बहुत माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है। अभी ये हो गया है, अभी इसमें क्या करना है, हमें कस्तूरी मेथी, ना मैं भून कर हूँ ना इसे ऐसे क्रंची ये कर हूँ, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी को, 1 टीस्पून जितनी कस्तूरी मेथी, इसे क्रश भी नहीं करी हूँ मैं, ऐसे ही डाली हूँ। थोड़ा सा इसमें हरिया धनिया, थोड़ा सा नमक, मिर्च सब जा चुके हैं, हो गया है, अभी ये ग्रेवी तैयार हो गई है।
मैं इसे एक मिनट रखकर मैं दम पर मैं गैस को कर लेती हूँ बंद। इसे अच्छे से मिला लेना है अभी, क्योंकि अभी कस्तूरी मेथी डाले ना, इसीलिए। आप चाहे तो ग्रेवी मैं इतनी ही रखी हूँ, आप चाहिए तो ग्रेवी को और रख सकते हैं। ये चावल में रोटी में ये इतनी गाढ़ी बस आ जाएगी, चाहे तो और आप चाहे तो पतली इसे कर सकते हैं। ऐसा देखिए हो गया है इसे। अभी थोड़ा ढककर मैं एक मिनट गैस स्लो कर देती हूँ, एक मिनट ऐसे ही रखकर मैं आपको प्लेट में निकाल कर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रेवी तैयार हो गई है, गैस को कर ली हूँ बंद, अभी मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए तैयार हो गई है, निकाल कर बताती हूँ मैं। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, सौंफ भी डाले हैं ना इसमें, बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और इसकी ग्रेवी देखिए दानेदार रहती है, इसकी ग्रेवी ऐसे रहती है। आप ज्यादा पतला और गाढ़ा आपके ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए ऐसे बनती है ग्रेवी, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी रहती है। खाने में तो इतनी प्यारी रहती है ग्रेवी, मैं क्या बताऊं आपको। यहाँ पर देखिए तैयार हो गई है चिकन की टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी ये ग्रेवी रहती है, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी बनता है ये चिकन, माशाल्लाह मैं बता ही नहीं सकती क्या ये कैसा लगता है। मुझे चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चावल ली हूँ, अभी आपको खा कर भी मैं बताती हूँ। मैं बता रही हूँ ना, बहुत प्यारी बनती है इसकी ग्रेवी तो, माशाल्लाह बहुत बहुत टेस्टी बनती है। चिकन भी अच्छे से गल चुका है, यहाँ पर देखिए चिकन भी अच्छे से गल चुका है। इतनी अच्छी रहती है ये, आप जिस जिसके साथ आपका मन करता है उसके साथ इसे खा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी ही रखी हूँ, थोड़ा सा घट रखी हूँ, आप चाहे तो थोड़ी पतली भी इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक किलो का बताई हूँ, आप ज्यादा कम आपके ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए चिकन भी अच्छे से गल चुका है, बहुत अच्छे से गल चुका है, माशाल्लाह खुशबू तो सारे घर में फैल चुकी है। इतनी अच्छी सौंफ भी जाकर है ना, सौंफ की भी खुशबू इतनी प्यारी आती है, बहुत बहुत प्यारी आती है। माशाल्लाह आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा ये कैसी रहती है, इतनी अच्छी। अगर एक बार ये बनाकर खाएंगे तो, आप शादियों में जाते हो, बैंगलोर में शादियों को जाते हो तो वहां ग्रेवी बनाते हैं, वो ग्रेवी आप भूल जाएंगे। ये उतनी टेस्टी रहती है, उतनी मजे की रहती है, बहुत सच में बहुत मजे की, बहुत माशाल्लाह मैं क्या बताऊं, बहुत मजे की रहती है। बहुत बहुत टेस्टी बनी। ये देखिए आज मैं चिकन की ग्रेवी बनाई हूँ, वो भी मेरे घर की, शाह किचन के घर की। आज मेरे घर की ये ग्रेवी बनी है, बहुत टेस्टी बनती है ये, बहुत माशाल्लाह मैं क्या बताऊं आपको, बहुत टेस्टी बनती है। अब एक बार खाएंगे तो आपको बार बार याद आता है ये। मैं ये ग्रेवी बनाकर बताना पहले भूल चुकी थी, मुझे अचानक याद आया, अरे ये मेरी ग्रेवी मैं बनाती हूँ यहाँ, ये आप लोगों के लिए भी बनाकर बताऊं मैं, इसलिए आज मैं बताई हूँ। इसे एक बार ट्राई करना बनता है, बहुत टेस्टी रहती है। मैं बताई हूँ ना, शादियों की ग्रेवी भूल जाएंगे आप इसे बनाकर खाएंगे तो, माशाल्लाह उतनी उतनी मजेदार रहती है। इसे बनाकर खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।